Why do we need to create customized user-defined field in QuickBooks? That is because sometimes we may feel restricted by the amount of information available in QuickBooks. For example, we may need to add a certain bit of information which is not already present in QuickBooks. information fields हम रखना चाहते हैं इन सच अ केस वी कैन क्रिएट अ यूजर डिफाइंड कस्टमाइज फील्ड इन क्विक बुक्स विच कैन कीप द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट वी रिक्वायर टू प्रोसेस आर जॉब्स एंड अकाउंटिंग नीड्स बेटर होता क्या है क्योंकि हम आप जानते ही हैं कि हमने जो कंपनी क्रिएट की हुई है वो दो किस्म के बिजनेस कर रही है एक बिल्डिंग मटेरियल बेच रही है और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज भी कौन सी जो कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है भले वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो इन दोनों केसेस में हम बहुत सारी चीज़ें बिल्डिंग मटेरियल की सूरत में अपने कस्टमर को बेचते हैं और क्योंकि हम एक लिहाज से बायर्स भी हैं क्योंकि हम मैनुफेक्चर से चीज़ें खरीदते हैं और आगे अपने क्लाइंट्स और कस्टमर्स को बेचते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स में कौन सी चीज़ें ज़्यादा मकबूल हैं और हाथों हाथ, तो हाथ ख़रीदी जाती हैं क्योंकि हम चाहेंगे कि हम उन चीज़ों का स्टॉक ज़्यादा रखें जो कि ज़्यादा बिकती हैं और उन चीज़ों का स्टॉक कम से कम रखें जो कम बिकती है इसका तरीक़ार ये है कि हम एक फील्ड ऐसी बनाएं जो जिससे हम बिल्डिंग मटेरियल ब्रांड नेम के साथ अपने पास स्टोर कर सकें इन दिस केस टू ऑफ द मोस्ट यूज मटीरियल इन बिल्डिंग्स आर स्टील जिसे हम सरिया कहते हैं और सीमेंट अगर हम हर कस्टमर के अगेंस्ट ये इंफॉर्मेशन रखना शुरू कर दें कि ये किस ब्रांड का सरिया और किस ब्रांड का स्टील पसंद करता है तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जितने कस्टमर्स हमसे चीज़ें ले रहे हैं वो किस ब्रांड को प्रेफर करते हैं आइए हम चल के क्विक बुक्स में देखते हैं कि हम ये कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स का प्रेफर्ड ब्रांड कौन सा है कौन सा ब्रांड वो प्रेफर करते हैं और किस तरह से हमें उनकी प्रेफरेंस रिकॉर्ड करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वी नीड टू क्रिएट यूज़र डिफाइंड फील्ड टू कैप्चर दिस बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आए स्क्रीन पे देखें कि हम कैसे करते हैं वंस अगेन दिस इज योर होम पेज फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर ऑल यू नीड टू डू इज़ गो टू कस्टमर सेंटर और आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट सामने नज़र आने शुरू हो जाएगी अब हमने ये देखना है कि हम किस तरह इनके पास एक नई फील्ड कस्टमर डिफाइंड फील्ड ऐड करें जब भी आप कस्टमर को क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने कस्टमर का पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपको इस इस्टैप एडिशनल इन्फो में जाना है जहां आपसे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहां कस्टम फील्ड्स की प्रोविजन मौजूद है लेकिन अभी यहां कोई भी कस्टम फील्ड नज़र नहीं आ रही क्योंकि अभी तक हमने क्रिएट ही कोई नहीं की नीचे आपको डिफाइन फील्ड्स वाला बटन नज़र आ रहा है ऑल यू हैव टू डू इस क्लिक ऑन इट और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको कस्टम डिफाइंड फील्ड का सेटअप बॉक्स नज़र आ जाएगा जो आप हेडिंग देना चाहे वो आप यहाँ टाइप कर दें सीमेंट एंड स्टील स्टील जैसे मैंने आपको ही बताया ये सरिया है और सीमेंट आपको ही पता है अब ये दोनों नए लेबल्स ये दोनों नई फील्ड्स हम एक कस्टमर के या वेंडर के या एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं और वी कैन ईवन यूज़ इट अगेंस्ट ऑल थ्री ऑफ देम ये और है और एंड है यानी आप दोनों तरीक़े से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप अपने कस्टमर्स को ज़्यादा खुश करना चाहें तो आप उनकी बर्थडे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने ये तीनों कस्टमाइज फील्ड कहाँ इस्तेमाल करनी अगर आपने बगैर बताए ओ के कर दिया तो ये तीनों फील्ड क्रिएट हो जाएंगी लेकिन कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाएंगी इसके लिए आप जैसे ही इस साइट वाले कॉलम में आएंगे तो आपको देख रहे हैं कि एक टिक का निशान नजर आ रहा है ये टिक आपने डालना है जहाँ जहाँ आप कर्सर से टिक डालते जाएंगे वो रो या वो कॉलम सेलेक्ट होता जाएगा सो वी हैव सेलेक्टेड दैट दिस इंफॉर्मेशन बी यूज अगेंस्ट कस्टमर्स लेकिन बर्थडे कैन बी यूज फॉर वेंडर्स एंड एम्प्लॉज एज वेल ठीक है जी अब आपको क्लियर है कि हमने ये तीन फील्ड्स बनाई हैं और तीनों फील्ड को हमने बता दिया है कि ये कस्टमर के अगेंस्ट यूज़ होगी लेकिन बर्थडे जो है वो आपके वेंडर्स और एम्प्लॉय के साथ भी नजर आया करेगी जब आप ये तीनों फील्ड बना लें ऑल यू हैव टू डू इस क्लिक ओके वंस अगेन एज यू नो क्विक बुक्स हर चीज़ आपसे वेरीफाई ज़रूर करवाता है करने से पहले तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या जो आपने नई फील्ड बनाई हैं वो एक्टिवेट कर दी जाएँ आपने ओके okay करना है अब आपके पास वो तीनों फील्ड्स अवेलेबल हैं आइए हम आसानी के लिए इन तीनों फील्ड्स को अपने कस्टमर्स के लिए फिल कर देते हैं और एक आसान तरीका जो अगर आपको याद हो कि हम सीधा मल्टीपल यूज़र लिस्ट पे आ जाएं और कस्टमाइज कॉलम्स करके ये तीनों चीज़ें अपने पास ऐड करवा लें अब हमारे पास ये तीनों इन्फॉर्मेशन इस मल्टीपल स्क्रीन पे मौजूद है और अगर आपको याद हो एक और चीज़ जो हमने देखी थी वो थी कॉपी डाउन उसे हमने इसे कॉपी कर दिया आइए इसे भी हम आसानी के लिए कॉपी डाउन करके कर देते हैं अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हमारे यूज़र के हिसाब से मौजूद है सेफ चेंजेस एंड लेट्स मूव आउट अब ये इंफॉर्मेशन हमने अपने पास रख ली है जब भी ट्रांजैक्शन होगी हमें पता होगा कि कौन सा हमारा यूज़र कौन सी सीमेंट और कौन सा स्टील प्रेफर करता है इसको देखने के लिए हमें एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी उस रिपोर्ट में हम अगर ये कस्टमाइज फील्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कस्टमर कौन कौन सी सीमेंट और कौन कौन सी स्टील प्रोडक्ट्स प्रेफर करता है ये स्पेशलाइज रिपोर्ट भी हो सकती है और ये कोई आम रिपोर्ट भी हो सकती है जिसमें हम ये दो फील्डें ऐड कर दें इसका मतलब ये है कि हम रिपोर्ट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं टू यूज़ यूज़र डिफाइंड फील्ड्स फॉर आर ओन रिपोर्टिंग पर्पजेस रिपोर्ट्स में ये कैसे यूज होगा कहां यूज होगा वील सी इन आर नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू